हमारी दुल्हनिया शादी करके साजन के घर चली जाएगी, हमें भूल तो नहीं जाओगी ना शोभा? अरे बिपाशा इतना खुशी के टाइम पे बेकार में बिचारी को उदास कर रही है। तुम लोग भी ना। तुझको ऐसे देंगे हम, जानी नहीं देंगे तुझे, जानी तुझे देंगे नहीं, जानी नहीं देंगे तुझे। क्या यार, ये स्कूटी को भी यही खराब होना था क्या? अब मैं शोभा के पास कैसे जाऊंगी? मैं तो बहुत लेट हो जाऊंगी। कहाँ जा रही हो मैडम? चलो हम छोड़ देते हैं। नहीं नहीं छोड़िए, मैं खुद चली जाऊंगी। ऐसे नहीं जाएगी, चल। छोड़िए, नहीं मुझे छोड़ो, मुझे क्या कर रही? जानी नहीं बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और कातिल का पता लगाओ और सारा सीसीटीवी फुटेज चेक कराओ। देंगे तुझे जाने तुझे। देखिए संभालिए अपने आप को, हम खूनी का पता लगा रहे हैं। तुझको रब क्या सर, मेरे दोस्त को बीते हुए पूरे 8 घंटा हो चुके और अभी तक आप ये बोल रहे हो कि पता लगाएंगे? ये पुलिस को अपना काम करने दीजिए, पुलिस के काम में दखल अंदाजी मत कीजिए, ये कानून का मामला है। चलो मैं उस लड़के का पता लगा कर रहूंगी, कहीं भी छुपा क्यों ना हो मैं उसे निकाल के ही रहूंगी। जानी ना तुझको ऐसे देंगे हम, जानी नहीं देंगे तुझे, जानी तुझे जानी तुझे।
मेरे दोस्त के कातिल का क्या हुआ? आज पूरे 3 दिन बीत गए और कोई जवाब ही नहीं दे रहे आप लोग। कदम देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे मामले में इंटरफेयर मत कीजिए, हम कर लेंगे। क्या कर लेंगे सर? इसे हमें फांसी होते देखना है या फिर आप पब्लिक के हवाले कर दीजिए, हम खुद देख लेंगे। नहीं, मैं इसे कस्टडी में 10 दिन के लिए ले रहा हूँ फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। क्या सर, इसमें इन्वेस्टिगेशन की क्या जरूरत? उसी ने मारा है आज तक, प्लस सेक्सुअल असॉल्ट भी किया है, उसे तो फांसी ही होनी चाहिए। हाँ सर, वो किसी की बहन थी, किसी का दोस्त और किसी का बेटी, आप ऐसे नहीं कर सकते। सर, अभी आप डिसाइड कीजिए कि आप मारेंगे या फिर हम मारें। बस कीजिए आप सबका ड्रामा, ये एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस को पता है क्या करना है। देखते इंस्पेक्टर, अभी तो हम जा रहे लेकिन वो लड़का मरेगा जरूर, या तो कानून मारेगी या फिर पब्लिक। खत में क्या लिखा था, चीत जुग जुग ये कहा था, चार पल भी जी न पाया तू, यारों से नजरे मिला ली एक बार तो मुस्कुरा दे, उठ जा साले यूं सताता है क्यों, जानी नहीं देंगे तुझे, जानी तुझे देंगे नहीं, जानी नहीं देंगे तुझे, जानी तुझे। अभी तक मैंने पूजा ही नहीं किया है और तू लड्डू चोरी कर रही है। नर्ब से, अरे मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे खाने दे दे फिर भगवान जी को दे देना। अरे आस्था ऐसे नहीं बोलते, और तू भी थोड़ा पूजा पाठ में ध्यान दे मिस मॉडर्न। ठीक है ठीक है, पहले लड्डू तो खा लूं। रुसी नजरे चुरा ली, चाहे जितना दम लगा ली, जाने ना तुझको। अरे ये क्या हरकत है, अरे ये जानी नहीं देंगे तो। मेरे दोस्त के साथ जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं अपने दोस्त का बदला जरूर लूंगी और उसे इंसाफ जरूर दिलवाऊंगी। जानी नहीं देंगे तो, जानी तुझे देंगे नहीं। दो कदम का ये सफर है, उम्र छोटी सी डगर है, एक कदम में लड़खड़ाया क्यों, सुन ले यारों सब गम की राती, यारों से रूठा है साले क्यों, जानी नहीं देंगे तुझे। ये क्या लगा रखा है, हटाओ यहाँ से ये सब। देंगे नहीं क्या आपका बोलने से हम हटा देंगे? कभी नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। We want justice. जैसा इंसाफ, हम सब अपना काम कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, गलती तुम लोगों का भी है। इतने छोटे छोटे कपड़े पहनोगे तो रेप नहीं होगा तो और क्या होगा? सर ये क्या बोल रहे हैं आप पुलिस वाले होकर आपका इतना घटिया सोच? छी,
सबका कपड़ा पहनने का अपना राइट होता है, वो उनकी मर्जी है। इसका मतलब ये नहीं कि रेप कर दे। कहाँ था चार पल भी। हेलो सुनिए जी, हमारी बच्ची नहीं मिल रही, स्कूल से बहुत पहले निकल गई है, पर अभी तक तो घर नहीं पहुंची। मुझे बहुत घबराहट से हो रही है। क्या हुआ सर, आपकी बेटी नहीं मिल रही है? भगवान ना करे कि उसे कोई उठा कर ले गया हो। छोटे कपड़े तो नहीं पहने थे ना सर? मेरे बेटी के बारे में एक शब्द मत बोलना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। क्यों सर, बुरा लग रहा है? तो आप सोचिए कि जिसके साथ हुआ वो भी तो किसी की बेटी थी ना, क्या बीत रही होगी उस माँ बाप पर। पापा। बेटी कहाँ थी, तुम कहाँ चली गई थी? वो पापा, ये दीदी ने मुझे बचाया। जानी तुझे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? पापा का नाम? कहाँ रहते हो तुम? तुझको रब बुला ले, हम ना रब से डरने वाले। गाइस, ये पुलिस वाले की बेटी है, अब इसकी मदद से हम अपने दोस्त को इंसाफ दिलवा सकते हैं। यारों से नजरे चुरा ले, चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। जानी नहीं। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर मुझे अब पता है कि मुझे क्या करना है। अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए भी रेडी हूँ, और हमारे बेटी की जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काश आप ये चीज बहुत पहले समझ जाते तो बहुत बेटी की जान भी बच जाती और उन्हें इंसाफ भी मिल जाता। देंगे तुझे। I'm really sorry. कोई बात नहीं सर, जब तक बात अपनों पे नहीं आती है ना, तब तक किसी को पता ही नहीं चलता। कोई नहीं, देर से ही सही, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, देश का कानून भी बदलेगा। शुक्रिया सर। हाँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। ये सफर है। कदम मेरे खराया क्यों, सुन ले यारों की ये बातें, बीतेंगे सब गम की रातें, यारों से रूठा है साले क्यों। जानी नहीं, देंगे तुझे जानी तुझे, देंगे नहीं जानी नहीं। आस्था के गुनहगार को अटेम्प्ट टू रेप केस के लिए फांसी की सजा सुनाई जाती है, और आज के बाद किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो उसके लिए हम अपनी पूरी पुलिस फोर्स को तैनात रखेंगे। द केस इज ओवर। जिसने हमारे दोस्त के साथ ऐसा किया, आखिर उसको फांसी हो ही गया। अब गुनाह किया है तो सजा तो मिलना ही था ना। खत में क्या लिखा था? Hey everyone, so what's up? I hope आप सब अच्छे होंगे, और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। और स्पेशली फॉर गर्ल्स, जो आस्था के साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हो सकता है, तो इसीलिए अपने सेफ्टी के लिए नाइफ या फिर परफ्यूम जरूर कैरी करें, और कमेंट कीजिए से नो टू रेप। बाय बाय।